कैसे हैं, क्या हो रहा है आप लोग के जीवन में पढ़ाई का। आज मैं आपको बोर्ड मास के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो बनाया था बोर्ड मास का फुल फॉर्म के बारे में एवं इसके रूल्स के बारे में। आज मैं उसे विस्तार से एक एग्जांपल को देकर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चैनल को शुरू करने से पहले आप लोग जो जो नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। तो आज मैं एक एग्जांपल के जरिए बोर्ड मास को आपको बताने जाता हूँ। आपको एक एग्जांपल यहाँ दिया हूँ, 25 प्लस 8 इंटू 2 ब्रैकेट में 16 माइनस 2। तो सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अनुसार सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट का यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पच्चीस प्लस 8 इंटू 2 ब्रैकेट में 16 डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 हो जाएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा और माइनस 2। ए पहला रूल होगा, यानी कि सबसे पहले यूज होता है। हाँ, फिर ऑर्डर यानी या फिर ऑफ का यूज होता है, यानी सबसे पहले उसके बाद आता है 25 प्लस 8 इंटू 2 और ये जो ब्रैकेट जब हटेगा तो ऑर्डर आता है, यानी कि यहाँ ऑर्डर या ऑफ का मतलब होता है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है इसको, यानी 2 इंटू 4 माइनस 2। ऑर्डर या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 8 इंटू 2 इंटू 4, यानी कि 8 हो जाएगा माइनस 2। उसके बाद फिर आता है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, यानी कि 88 इंटू 8 बराबर 64, यानी 25 प्लस 8 इंटू 8 यानी कि 64 माइनस 2। उसके बाद फिर हम लोग ऐड करते हैं, यानी फिर ऐड होता है, यानी 25 प्लस 64 यानी हो जाए, यानी होगा 98 यानी 89 माइनस 2। सब्ट्रैक्ट का यूज होता है, यानी 89 माइनस 2 का मतलब हो गया आपको कि 289 से घटाएंगे तो आ जाएगा 87, यही मेरा आंसर आता है। नहीं समझे फिर से समझा दे रहा हूं। बोर्ड मास में सबसे पहला रूल ब्रैकेट का होता है, यानी ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, क्लियर करते हैं। ब्रैकेट में 16 प्लस 4 है, यानी 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ब्रैकेट क्लियर हो गया। अब ब्रैकेट के बाद जो है सो कि ऑफ यानी ऑर्डर का यूज होता है। ऑर्डर का मतलब या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑर्डर या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ब्रैकेट क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद आता है ऑर्डर या ऑफ, ऑर्डर या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी होता है 8। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, यानी कि 8 इंटू 8 8 इंटू 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। फिर
इसके बाद ऐड करते हैं एडिशन आता है तो 25 को 64 में ऐड करते हैं तो 89 आता है 89 को इसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट आता है 89 में से माइनस करेंगे तो 87 आता है। यही मैंने बुढ़मास आज मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ बुढ़मास को एग्जांपल देकर कि बुढ़मास का रूल और इसका कैसे कैसे बनाया जाता है वन बाई वन करके आपको क्लियर कर दिया हूँ। अगर और कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट करके हमें सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।